Subscribe and press the bell icon and never miss updates from the YouTube channel Cyber Suraksha. तो दोस्तों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इस समय हम लोग सदाबहार चौक स्थित जो एटीएम है जो नामकुम में है हम लोग वहाँ उस एटीएम में आए हैं। इस एटीएम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं तो हम देखते हैं कि इस एटीएम में लोग ऐसे क्या चेंजेस लाते हैं या ऐसा जो साइबर अपराधी होता है वो क्या करता है जिसके वजह से जो लोग हमारे हैं ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जब भी हम किसी एटीएम में घुसे तो सबसे पहले वहां पे हम अवांछनीय जो परिवर्तन है उसको जानने की कोशिश करें। उसमें हम सबसे पहला काम ये देखेंगे कि ये हमारा जो स्कीमर डिवाइस है यहाँ जो स्कीम करते हैं यहाँ कार्ड हम जो स्लॉट लगाया हुआ है इस स्लॉट को हम खींच के देखेंगे कहीं ये डुप्लीकेट स्लॉट या इसके ऊपर कोई स्लॉट तो नहीं लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर स्लॉट लगा है तो तुरंत बैंक को बैंक के पदाधिकारी को 100 डायल करके आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो पैड है इस पैड के सारे बटन काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये बटन काम नहीं करते हैं तो आप तुरंत बैंक को बताएं कि कैंसिल बटन हैंग किया हुआ है या क्लियर बटन हैंग किया हुआ है या एंटर बटन हैंग किया हुआ है इस हैंग को हम लोग बताते हैं। दूसरा तीसरा चीज है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो पैड है इसके ऊपर में किसी भी तरीके से कहीं कोई कैमरा तो नहीं छुपा के फिट किया गया है। अगर कोई कैमरा आपको लगता है तो आप तुरंत बैंक पदाधिकारी को इसके बारे में बताएं। आप जब भी पिन अपना एंटर करें हमेशा इस पिन को इस तरह से हाथ को छुपा कर अपना पिन एंटर करें ताकि आपको कभी भी ठगी का शिकार नहीं हो सके। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपके एटीएम में आपके अलावा अगर गार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज गार्ड नहीं है तो आप बाहर के किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। आपका जो कार्ड है वो सिर्फ आपके निजी इस्तेमाल के लिए है। आप इसको कभी भी किसी दूसरे से अनजान व्यक्ति से मदद लेने से पहले 10 बार सोचें। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी और के द्वारा करवाते हैं तो आप ठगी के शिकार हो जाते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब हम इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कार्ड को जो क्लोनिंग होता है जो बहुत शिकायत इस सदाबहार चौक स्थित जो एटीएम है जो नामकुम में है यहाँ कार्ड क्लोनिंग के बहुत शिकायत है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्ड क्लोनिंग होता कैसे है और किस तरह से लोग उस पर ठगी के शिकार होते हैं। आप जब भी किसी एटीएम में आए तो सबसे पहले यहाँ के जो अवांछनीय परिवर्तन है उसको देखें। आपसे जो कोई इस जो आपका कार्ड का स्कीमर है कार्ड स्कीम जो करता है ये स्कीमर के पास उसने अपना एक किट लगा दिया जो बिल्कुल हूबहू दिखता है जो एक फर्जी स्कीमर होता है। इसमें आपने जब अपना कोई कार्ड डाला आपने इसमें यहाँ पे अपना कार्ड डाला कार्ड डालने के बाद क्या हुआ ये इसमें स्कीम कर लिया। इसके साथ चिप लगा होता है। इसका एक तरीका और भी होता है कि कोई लोग आपसे वो मशीन के बटन को हैंग कर देंगे आपके मशीन को जाम कर देंगे। जाम करने के बाद कोई पीछे से आपकी मदद के लिए आपको लगेगा वो बहुत ही मददगार व्यक्ति है उसकी तरह दुनिया में कोई नहीं वो मददगार व्यक्ति आपके साथ ठगी कर सकता है। वो इस तरह का डिवाइस लेकर के एटीएम के अंदर आता है। ये डिवाइस वो बिल्कुल ही छुपा के इस्तेमाल करता है। ये आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि ये स्कीमर डिवाइस होता है। ये डिवाइस में कुछ नहीं करना होता है। इस डिवाइस को इसने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आपसे कार्ड मांग के दिखाइए मैं आपकी मदद कर लेता हूँ वो आपसे कार्ड लेके बिल्कुल उसको इस तरह से अपने पास वो छुपा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास कोई स्कीमर है। इस तरह से बिल्कुल वो अपने पास छुपा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कार्ड मैंने स्कीमर डिवाइस इस तरह से पकड़ा हुआ है। इससे बोलेगा वो अपने आप को बोलते हैं कि ये जो है आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है इस पे कुछ गंदा लगा हुआ है वो आपसे साफ करने के बहाने उसे साफ करते करते वो आपका स्कीमर से स्कीम कर लिया। आपका स्कीमर वो आराम से डाला और उसने आराम से स्कीम कर लिया। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सारा डेटा इसमें आ गया। अब वो इस डेटा को जा करके किसी ब्लैंक एटीएम में चढ़ा करके आपका सारा ट्रांजेक्शन निकाल देगा। वो ट्रांजेक्शन कैसे करता है वो पिन कहाँ से प्राप्त करता है अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको बात को समझ लीजिए। जो आदमी आपकी मदद करने आया था वो पीछे से छुप कर आपको बोलेगा कि आप डालिए मैं घूम जाता हूँ। वो घूमेगा नहीं वो अपने तिरछी नजरों से उसे देखेगा और एटीएम जो है उसको स्कैन कर लेगा। एटीएम स्कैन करने के बाद आपका पिन देख लिया और उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है ओटीपी की जरूरत नहीं है। वो किसी भी दूसरे एटीएम में जाके कार्ड आपका जो क्लोन कार्ड है उस क्लोन कार्ड से आपका पैसा निकाल सकता है। आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से सुनिश्चित करते हुए ही आप एटीएम को छोड़े। अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी शक सुबह या संदेह होता है आप तुरंत 100 डायल करके पुलिस को सूचित करें या बैंक के पदाधिकारी का नंबर हमेशा अपने मोबाइल पे रखें। आप तुरंत बैंक के पदाधिकारी को बताएं और आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा इसकी गारंटी साइबर सुरक्षा की पूरी टीम और साइबर थाना लेती है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।